गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे आप लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलिए आप लोग बुक पेंसिल लेकर बाहर निकाल लीजिए। आप लोगों ने निकाल लिया? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास कौन सा है आपका? LKG। और सब्जेक्ट क्या है? मैथ। तो प्रीवियस क्लास आप लोगों ने सब्सट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ा था, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और आज आप लोगों को पेज नंबर 67 फन टाइम पढ़ना है। आप लोग पेज नंबर 67 ओपन कर लीजिए। ये पेज है, पेज नंबर 67। फन टाइम आप लोगों ने ओपन कर लिया और इसमें आप लोगों को ऐड बनाना, और आप लोगों को ऐड अच्छे से बनाने आता है, आप सभी बना लोगे। चलिए मैं बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग। क्वेश्चन ए, ऐड द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 12 + 1। पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए अभी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप मैच कर लेंगे। आप लोगों ने सही बनाया या नहीं, एडिशन तो आप लोगों को अच्छे से आता है। 2 1s place पे और 1 10s place पे। चलिए आप लोग फटाफट बनाइए इसे, लाइन ड्रॉ करके बनाना। आपके बुक में स्पेस दिया हुआ है, बस लाइन ड्रॉ कीजिए और काउंट करके आंसर लिखिए। आप लोगों ने बनाया? चलिए मैं बताती हूँ, यहाँ कितना है? 2 है, तो कितना लाइन ड्रॉ करेंगे? 2 लाइन 1 2। और यहाँ कितना है? 1 है, यहाँ कितना लाइन ड्रॉ होगा? 1 लाइन। ओके, अब क्या करेंगे? एडिशन किसका होता है? मिलाना, ऐड करना, जोड़ना, दोनों को क्या करेंगे? मिला के काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 1s place का काम तो हो गया। अब 10s place पे आप लोगों को पता ही, बस एक ही डिजिट है, तो सेम डिजिट को यहाँ नीचे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई और रहता तभी तो हम ऐड करते हैं। एक ही डिजिट है तो सेम इसी को यहाँ नीचे लिखना है, 1 है तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 + 4। सिक्स है 1s place पे और 2 है 10s place पे। ओके, चलिए आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। आप लोगों ने बनाया? चलिए मैं बताती हूँ, यहाँ कितना है? 6 है, तो कितना लाइन ड्रॉ करेंगे? 6 लाइन। आप लोगों ने 6 लाइन ड्रॉ किया था, देखिए 1 2 3 4 5 6, और नीचे कितना है? 4 है, तो 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। अब दोनों को मिलाकर क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये कैरी वाला ऐड है, आप लोगों को अभी नहीं आता, तो चलिए मैं बता देती हूँ। 10 के 0 लिखेंगे और कैरी 1 करेंगे, ये आप लोगों को आगे सीखना है। यहाँ कैरी 1 हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 तो डायरेक्ट लिखेंगे अब, क्योंकि नीचे कोई डिजिट नहीं है, लेकिन कैरी वाला जो 1 है उसे भी हम लोग इसी में ऐड करेंगे। ओके, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 26 + 4 = 30।
ये कैरी वाला आप लोगों को अभी नहीं आता, मैंने बता दिया, कैरी करेंगे, 10 के 0 लिखेंगे कैरी पर और इसमें 10th प्लेस वाले में ऐड करेंगे कैरी वाले को। चलिए नेक्स्ट है 38। ये भी कैरी वाला है, आप लोग उससे नहीं बनेगा मैं बताती हूँ। तो देखिए यहाँ कितना 8 है, तो कितना लाइन ड्रॉ करेंगे, 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे कितना है 9 है, तो कितना लाइन ड्रॉ करेंगे 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब दोनों को मिलाकर काउंट कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 के 17 नहीं लिखेंगे 17 के 7 लिखेंगे और कैरी वन करेंगे तो कैरी वन इसमें ऐड होगा 10th प्लेस वाले में। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 38 + 9 = 47। देखिए 3 और 1 आप लोगों को पता है 3 है तो 3 फिंगर और 1 है तो 1 फिंगर, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4 हो गया। चलिए इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बताती हूँ। इस चैप्टर में आपको सारा कैरी वाला ही दिया हुआ है, आप लोगों को UKG में कैरी वाला ऐड सीखना है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सेकेंड लाइन का फर्स्ट क्वेश्चन है 37 + 8। देखिए पहले 1th प्लेस के लिए करेंगे तो यहाँ कितना 7 है तो 7 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 8 है तो यहाँ कितना लाइन ड्रॉ करेंगे 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों को मिलाकर क्या करेंगे काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कैसे लिखते हैं हम लोग 1 5 15, तो इसमें क्या करेंगे 1th प्लेस वाले को यानी राइट साइड वाले को यहाँ लिख लेंगे तो 15 के कितना हो जाएगा 5 और ये जो है ये तो 10th प्लेस का, तो 10th प्लेस वाला 10th प्लेस में ना ऐड होगा, इस 1 को हम लोग कहाँ ऐड करेंगे 10th प्लेस वाले में, 1th प्लेस वाले को 1th प्लेस की जगह लिख लिया और 10th प्लेस को क्या करेंगे 10th प्लेस वाले में ऐड करेंगे और 10th प्लेस 3 किस प्लेस पे था, 10th प्लेस पे था और 7 1th प्लेस पे था, तो क्या करेंगे 10th प्लेस वाले को 10th प्लेस में ही ऐड करेंगे। ओके तो देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो अगर फिंगर काउंटिंग करते हैं आप लोग तो देखिए 3 और 1 कितना हो गया 1 2 3 4, 37 + 8 = 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 + 7। 78 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये किस प्लेस पे 8 1th प्लेस पे और 7 किस प्लेस पे है 10th प्लेस पे। ओके तो सबसे पहले 1th प्लेस के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते तो यहाँ कितना है 8 है तो 8 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे कितना 7 है तो कितना लाइन ड्रॉ करेंगे 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 दोनों को मिलाकर के काउंट कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 देखिए यहाँ पे क्या करेंगे काउंट कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 कैसे लिखते हैं 1 5 15, तो 1th प्लेस पे कौन है 5 और 10th प्लेस पे 1 है, 1th प्लेस वाले को 1th प्लेस के साथ लिखेंगे तो 15 के यहाँ क्या लिखेंगे 5। ये कैडी वाला ऐड है, आप लोगों को अभी नहीं सिखाया गया,
आप लोगों में बता देती हूँ, आप लोगों को यूकेजी में अच्छे से इसका डिटेल में पढ़ना है। 15 के 5 लिख लिया और 10th प्लेस पे क्या है, 1 है, इसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ ऐड कर देंगे। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 7 और 1 अगर फिंगर काउंटिंग आप लोग करते तो देखिए 5, 6, 7 और कितना 1 ऐड करना है, तो 1 कितने हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 10th प्लेस की जगह 8 लिखेंगे। 78 + 7 = 85। देखिए 15 आया था तो 15 के क्या करेंगे, 5 लिखेंगे क्योंकि 1th प्लेस पे 5 है, तो 1th प्लेस को 1th प्लेस की जगह लिखेंगे और 10th प्लेस पे 1 है तो 10th प्लेस को 10th प्लेस के साथ ऐड करेंगे। 7 और 1 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 + 7। 37 में आपको 7 ऐड करना है, ये भी कैरी वाला ऐड है। तो देखिए 7 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे और 3 जो है 10 प्लेस पे है। ओके तो सबसे पहले 1 प्लेस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 7 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नीचे भी 7 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोनों को मिला करके काउंट कर लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कैसे लिखते हैं, 1, 4, 14 लिखते हैं ना। इसमें आप लोगों को 1 प्लस 10 प्लस पता है, राइट साइड वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस और ये क्या है 10 प्लस। 14 के 1 प्लस के लिए लिख रहा है तो 14 के 4 लिखेंगे 1 प्लस वाला और ये जो है 10 प्लस वाला 1, इसे हम लोग कैरी करेंगे, इसे हम लोग 10 प्लस में ऐड कर लेंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। 37 + 7 = 44। 7, 7, 14 होता है तो 14 हम लोगों ने लिखा। 14 पे देखना है 1 प्लस और 10th प्लेस, क्योंकि 1 प्लेस को 1 प्लेस के साथ रखेंगे और 10th प्लेस को 10th प्लेस के साथ। 1 प्लेस में 4 था तो 1 प्लेस की जगह हम लोगों ने 4 लिखा और 10th प्लेस में 1 है तो इसे हम लोग कैरी करेंगे और 1 प्लेस वाले के साथ ऐड करेंगे। 3 था यहाँ पे और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। आप लोगों को समझ आ गया होगा तो इसे नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया तो आपका 2 लाइन कंप्लीट हो चुका है और बाकी के 2 लाइन आपको खुद से होमवर्क में बनाना है। ओके ये 2 लाइन हो चुका आप लोगों का और ये दोनों लाइन आपको होमवर्क में बनाना है। फिर नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी कैसे बनेगा और जिनसे बन जाए वो मैच कर लेंगे कि आपने सही बनाया या नहीं। ओके तो आज का क्लास आपका यहीं तक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।